हेलो फ्रेंड, द अखिल पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लेटेस्ट शो स्टार्ट हुआ है सोनी में, जिसका नाम है आपका अपना जाकिर। उसका कुछ कुछ कॉमेडी क्लिप्स और वीडियोस बहुत आ रहे हैं। ओटीटी पे तो चल ही रहा है, यूट्यूब में भी कपल ऑफ अच्छे जो भी कॉमेडी पोर्शन है उसके कुछ कुछ आए हैं। हमने सोचा क्यों ना उस पर भी अपना रिएक्शन देने के लिए, शायद मजा आएगा। जाकिर खुद भी अच्छा बोलते हैं, उनका जो शायद जो वीडियो स्टैंड अप वगैरह करते थे पहले। हाँ, स्टैंड अप है पहले क्या, अभी भी करते हैं। तो स्टार्ट हुआ काफी कॉमेडी, प्लस इसमें हमको करण जौहर भी देखने मिलेंगे। वो जहाँ रहता है कुछ ना कुछ अजीब अजीब कॉमेडी तो देखने मिलते हैं, कुछ अलग रहता ही रहता है। शायद हमको इस वीडियो में भी देखने मिले। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, एक वीडियो फ्रॉम आपका अपना जाकिर जो शो से ये देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। जब कॉलेज में थी ना, तो मुझे एक लड़के पे बहुत, मतलब हम लोग दोनों साथ में बहुत बास्केटबॉल खेलते थे और वो बहुत चीटिंग भी करता था। तो फिर कॉलेज में एक नई लड़की आई और मेरे दोस्त को उस लड़की से प्यार हो गया। अरे, फिर मतलब मुझे भी उससे प्यार है। हॉस्टल गई, मैंने अपनी बॉर्डर से कहा कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, रिफत भी रिफत भी क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं, बाल छोटे इसलिए हो रहा है। बाल वैसे ही है देखने। आपको आमिर खान की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन क्या आपने ऐसा कोई काम किया है जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं? जैसे कि आपने कभी एटीएम से पैसे निकाले हैं? ये बचपन में सर्विस था नहीं, जब तब वक्त था तब नहीं, लेकिन नहीं कर पाया मैं, था नहीं कोई एटीएम। लेकिन जब से मैंने पहली फिल्म बनाई और पहला वोट संभाला, तब से तो नहीं किया मैं कोई। वो जरूरत है उसका, पूरा टीम होगा फाइनेंस का अलग ही होगा। पहली बार आया था ना, पहली बार ही था वो। मुझे टैग किया उन्होंने और कहा कि आई रियली लाइक योर फिल्म 3KG। थ्री के जी तीन के, अगर आप थोड़ा बदल दो तो उसका पूरा मतलब निकल जाता है। वाह वाह, ग्रेटर देन मोर देन 100 के जी। जब मैंने पापा को कहा ये बात, अमित अब तुझे एंटी शाहरुख का सर रिजेक्ट करेगा, इसे बेटा तो पागल हो, तो एक पिक्चर बनाओ, सब है वो एक पिक्चर, इसे नहीं कौन सी पिक्चर है। तो फिर कहानी मेरे को बताई, ये घर वाले मुझे समझ नहीं आता कि जब पीठ पीछे आपको बहुत हाइप करते हैं और सामने सामने पंचर करने वाले। अच्छा, अभी भी कोई भी अवार्ड मिलता है तो मेरी मामा मुझसे पूछती है कि वो क्यों दे रहे तुम्हें अवार्ड। मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा, ये मेरा रोज मेरा यही है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूं। कोई नहीं, ये घर कहां से?
पापा जो थे वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, 30 साल उन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया था, बहुत सारे जाने माने निर्देशकों के साथ पापा ने काम किया था, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं बने। तो वो पहली प्रोड्यूसर जब वो बने वो दोस्ताना फिल्म दोस्ताना पिक्चर बहुत हैवी उन्होंने लोन लेके बनाई थी और वो पिक्चर चल गई। उसके बाद पापा ने अमिताभ और शत्रुघ्न बनाई, लेकिन सारी जो फिल्में थे वो फ्लॉप। जब फिल्में नहीं चलते तो कभी कभी इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन ऐसा होता था कि प्रीमियर के इनवाइट होते थे और वो उस टाइम स्टॉल्स में नहीं इनवाइट आता था, क्योंकि तब कोई मल्टीप्लेक्स नहीं थे, सिर्फ सिंगल स्क्रीन थे। तो अगर ए होता था रो तो मैं फोन करके पूछा था आपका ए पीछे वाला ए है या सबसे आगे वाला ए, तो ज्यादातर वो सबसे आगे वाला ए होता था जो सबसे वर्स्ट सीट। तो बुलाते तो थे लेकिन वो सीट जो है बहुत खराब वाली सीट थी। तो पापा बोलते थे मैं नहीं जाऊंगा बेटा तू चले जाओ, मेरा क्या है मैं तो चले जाता था। लेकिन मैंने उनकी आंखों में वो दुख देखा है, यू नो, कि बुलाए ही क्यों अगर वो इज्जत नहीं दे रहा। उन्होंने सिर्फ 5 या 6 साल मेरा सफर देखा। कॉमेडी के साथ वो थोड़ा बहुत कुछ पता चला नहीं करण जौहर का। करण जौहर में देखो ऐसा शो में बहुत ही स्पोर्टिव रहता है, कुछ कुछ वो भी अपना ऐड करता है ऐड। वो तो सरप्राइज था लड़की वाला जो बताना स्टार्ट की, वो जो स्क्रिप्ट राइटर जो कुछ कुछ होता है पर बताते जाइए वो भी हंस रहा था। अच्छा है वो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया, वो पहले सोचा कुछ इस रियल कुछ बता रही है, बाद में हम भी सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब वही वही और उसका बाल भी वैसे ही था प्रांजलि वाला उसका, वहां पे अच्छा कॉमेडी हुआ। वो छोटा मोटा जो कौन था, हाँ। जो उसकी मम्मी फोन करके पूछती है कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आसपास सब कॉमेडियन बैठे, उसमें कॉमेडी जो तो बोले नहीं उसको, जो उनको पूछा कि एटीएम का, वो इसमें बहुत मतलब छोटा ही रोल और वेलकम में, वेलकम में ये कह रहा था ना एक वो फॉरेस्ट जो एंड माने जो माउंटेन का एज में क्लिफ में एक जो गेस्ट हाउस जैसा वुड वाला बना है, और ये तो हमेशा आएंगे इसको कुछ काटना है तोड़ा तोड़ी करने के लिए, तो उसके एक बहुत उसको मार होगा या गिर जाएगा तो उसको उसका डायलॉग भी नहीं है मुझे क्यों तोड़ा, बहुत जगह चलता है देखना वो सब वो मीम वगैरह में होता है उसका मुझे क्यों तोड़ा। अच्छा अच्छा बोला तो कॉमेडी लोग है शायद, वो ऋत्विक 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 है और कौन थी वो श्वेता है, काफी कॉमेडियन थे आसपास शायद मेरी सब क्या रोल है पता नहीं अभी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मुझे लगता है बैठ के इनको सिर्फ कुछ कॉमेडी भी करेंगे प्लस ये जो गेस्ट आएंगे उनको क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ कॉमेडी टाइप्स, वैसे ही कुछ होगा आगे। और कुछ अगर अच्छा क्लिप आया ये शो से तो हम ट्राई करेंगे उस पर भी अपना रिएक्शन देने के लिए। ठीक है दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर बाय।